श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वावदान्तिकम् वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथंबितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्री विशाखावितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो पतित पावन नित्यानंद भगवान की। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका सुबह के इस कार्यक्रम में स्वागत है। प्रिय बंधुओं, जीव जब इंद्रियों का तर्पण करने के कारण अहंकार से भर जाता है तो और ये भूल जाता है कि मैंने ये संसार एक दिन छोड़ना है, मेरी मृत्यु होगी। ये परम सत्य जो पक्की बात है इसको भूल जाता है, और ये भी भूल जाता है कभी भी कुछ हो सकता है। अब जैसे ये जो महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, बड़ी बड़ी दुखद मौतें हो रही हैं, सारी दुनिया पीड़ित है, उसमें भारत भी है, भारत भी पीड़ित है। ये हम लोगों को याद दिलाने के लिए है, मूर्खो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जो उल्टा हो रहा है ये तुम्हारे दुष्कर्मों का फल है। तुम जो मुझे भूल करके ये जो उल्टे कर्म कर रहे हो ये उनका फल है। कष्ट जो आते हैं हमारे कर्मों का फल होता है। जिसे संसार में खोया हुआ जीव नहीं समझता, इसलिए खोया पन खत्म करना है।
करनी करत क्यों डरत। आदमी जब खोया है तो करनी करते समय डरता नहीं, वो क्यों करके पछताए, करके फिर पछताता क्यों है। भोए पेड़ भबूल के तो आम कहाँ से खाए। जब हम खो जाते हैं तो दुष्कर्मों में लग जाते हैं, इंद्रियों का तर्पण, ये जो विषय वासना है, यही सारे पापों का कारण है। और जीव बुरे कर्मों में लग जाता है विषय वासनाओं के कारण, इस काम के कारण, और वो भूल जाता है कि ये जो मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ इनका परिणाम बुरा होगा, इनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और बुरे कर्मों का परिणाम तो बुरा होता है। अकस्मात जब बुरे कर्मों का परिणाम जब बुरा होता है तो मूर्ख जीव समझ नहीं पाता, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर बहुत दुखी हो जाता है, केवल इतना दुखी होता है कि प्राण ही चले जाते हैं उसके और अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो देखो ऋषभ भगवान के श्लोक में ऋषभ भगवान कहते हैं, नायम देख देख भाजान नरलोके कष्टान काम हरते बिड़बु जाम दे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रो, ये मनुष्य शरीर जो है इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो बिड़बुजाम सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। बिड़बुजाम कहते हैं गंदगी खाने वाले पशु, सुअर भी गंद खाता है, कुत्ता भी गंद खाता है, ये उनको भी उपलब्ध है। जिसके पीछे ये ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। यह उपदेश कब दिया था उन्होंने, जब को अवकाश प्राप्त कर रहे थे, रिटायर हो रहे थे, उन्होंने राज अपने बड़े पुत्र महाराजा भरत को सौंप दिया, खुद ही आखिरी शिक्षा दे दी। बड़ी सुंदर शिक्षा भागवत में वर्णन है ऋषभ भगवान की। तो इस श्लोक में ऋषभ भगवान कहते हैं, पुत्रों इंद्रियों के तर्पण में नहीं पड़ना, इंद्रियों के तर्पण के तर्पण नहीं जाना, ये तो सुगर कुत्ते को भी उपलब्ध है जो गंदगी खाते हैं बिना रोक टोक के। तो क्या करना, भगवान ने क्या कहा, तपो दिव्यम, तपस्या करनी है। तपस्या आध्यात्मिक पथ के आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट उठाया जाता है वो तपस्या है। जैसे सुबह जल्दी उठना, 4 बजे से तो पहले सबको उठना ही चाहिए, आध्यात्मिक पथ के लिए वो बहुत जरूरी है। ये प्रभुपाद जी ने कहा है, वृंदावन में ही मुझे कहा था ये। उठ के भजन भक्ति, नहाना धोना, भगवान का भजन स्मरण करना, मंगल आरती करना, ये तपस्या है। ये करते रहने से, नियमों का पालन करते रहने से धीरे धीरे हमारी सत्ता शुद्ध होगी। हम समझेंगे भाई मैं ये देह नहीं, देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रि धातु के, ये कफ पित्त बात से बना हुआ शरीर मैं नहीं, मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तपस्या से ये समझ आएगा।
ऐसे आंखों की रोशनी के लिए करते हो, होता है कुछ नहीं वैसे। तो तपस्या करने से शुद्धे न सत्ता, प्रभुपाद कहते थे शुद्धे न सत्ता। सभी ये ध्यान रखो, सभी पुरुष, सभी स्त्रियां, सभी बड़े छोटे, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है भाई। अगर हमारी सत्ता शुद्ध नहीं हुई और हमें बड़ी परीक्षा में बैठना पड़ा तो बड़ा कठिन हो जाएगा। अगर सत्ता शुद्ध हो जाएगी तो ये समझ आएगा भाई मेरा संसार ये घर नहीं है, ये संसार मेरा घर नहीं है, इसको एक दिन छोड़ना ही है। मैं कई बार प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब रहता था, क्योंकि उन्होंने हमारे कर्म ले रखे थे अपने ऊपर। एक बार मैंने पूछा, प्रभुपाद आप बीमार क्यों हैं? मेरे मन में ये आया, भाई इतने महापुरुष, इनको बीमार नहीं होना चाहिए। उनका क्या जवाब? कहते तेरे कारण बीमार हैं हम, तुम लोगों के जो कर्म ले रखे हैं उनके कारण। जो सच्चे संत होते हैं प्रभुपाद जी जैसे, इनके अपने कर्म नहीं होते, दूसरों के कर्म, और दूसरों के कर्मों का इनकी चेतना पर, इनकी भावना पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये शरीर किस तरह से ऊपर हैं, इन्होंने अपने आप को शरीर समझा ही नहीं, ये तो आत्मा के स्तर। यही वृंदावन में आखिरी दिनों में प्रभुपाद जब थे, तो प्रभुपाद शरीर में मसल नहीं बिल्कुल रहे, हड्डियाँ, केवल हड्डियाँ बड़ी दुखती हैं, कष्ट देती हैं। उस परिस्थिति में प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? लेटे लेटे पुस्तकों का अनुवाद कर रहे हैं। आखिरी अनुवाद 10th कैंटो का उन्होंने किया था, ब्रह्म विमोहन लीला। ये पढ़नी चाहिए, कितना दिव्य ज्ञान। लेटे लेटे जबकि शरीर में इतना कष्ट है, ये ज्ञान दे रहे हैं। पढ़ो 10th कैंटो ब्रह्म विमोहन लीला, और प्रभुपाद जी का आखिरी अनुवाद है यही वृंदावन। उनकी कृपा से मैं उनके चरणों में बैठा हुआ था। आप देखो फाइनल लेसन प्रभुपाद जी की जो मूवी है, मेरी पीठ है, मैं उधर देख रहा हूँ प्रभुपाद जी की तरफ, मेरी पीठ आपको दिखाई देगी। मैं उनके चरणों की सेवा कर रहा था उस समय ये अनुवाद किया प्रभुपाद ने। चेतना को जागृत करना है, भावना को जागृत करना है। भावना जागृत होगी तपस्या से, याद रखो, ये नहीं ज्यादा खाने से या ज्यादा सोने से, ज्यादा इंद्रियों का तर्पण करने से, इससे चेतना सो जाएगी। क्योंकि ये शरीर के स्तर की बातें हैं, चेतना जागृत होगी जब आत्मा के स्तर की बातें होंगी। आत्मा के स्तर की बातें नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा हमारी सोई हुई चेतना जगेगी, उस चेतना को जगाना है। मैंने 2 दिन पहले एक आपको कथा सुनाई थी ग्वालियर मंदिर की, वहाँ एक श्यामदास भक्त थे, कृष्णदास जी के शिष्य, इतनी सेवा भाव से वो करते थे। रोज 100 आदमी के लिए भोजन बनाना, चौका करना गोबर से, बड़ी सेवा करनी। तो एक दिन वो पोचा लगा रहे थे,
नीचे शुद्ध कर रहे थे तो प्रिया प्रीतम आकर बैठ गए दोनों, पोचा हाथ में इधर हाथ रख दिया, देख रहे हैं उनको, आंखें खुली रह गईं, पानी बह रहा आंखों से, होश नहीं है, भगवान के दर्शन हो गए, वहीं बैठे रहे, भगवान दर्शन दे के चले गए। गुरु जी ने कहा कृष्णदास कहाँ आज, श्यामदास कहाँ, कृष्णदास गुरु जी थे, वो कहाँ आज आया नहीं। देखा तो कहता गुरु जी ने आके देखा, कहता बस जिस काम के लिए हम साधु बनते हैं वो प्राप्ति इसको हो गई, भगवान मिल गए, भगवान के दर्शन हो गए। महाप्रभु के समय की एक लीला, महाप्रभु अपनी भक्ति का, कृष्ण अपनी भक्ति का महाप्रभु के रूप में आनंद ले रहे हैं, राधा भाव का आनंद ले रहे हैं, तो भगवान बहुत नृत्य करते थे, नाचते थे, सब लोग दर्शन करते थे भगवान के नृत्य, तो पसीना चलता था भगवान के शरीर से। एक माता थी, उस माता का नाम दुखिया था, भगवान फिर कीर्तन के बाद स्नान करते थे, नहाते थे, पसीना आ जाता था, जब वो नहाते थे वहाँ घड़ों की कतार लगी होती थी गंगा जल के, बड़े अच्छे ढंग से। श्रीवास ठाकुर के घर की बात है ये, श्रीवास आंगन की ये बात है। तो महाप्रभु पूछते हरि बोल, इसको थोड़ा हवा थोड़ी इसकी ज्यादा उधर को कर दे हवा। श्रीवास को पूछा उन्होंने ये श्रीवास ये घड़ों की कतार कौन लगा के रखता है, कहते प्रभु आपकी दासी दुखिया। दुखिया कौन कहता है उसको दुखिया, वो तो सुखिया है, भगवान ने सुखिया नाम दिया। वो बेचारी माता पानी भर भर के भगवान को नहाना है, सब लोग भगवान के कीर्तन के दर्शन करने वो सेवा में रही रहती थी, महाप्रभु की कृपा उसको प्राप्त हो गई। इसी प्रकार श्यामदास जी को भगवान के दर्शन हो गए, ग्वालियर मंदिर में हुए थे, वहाँ जहाँ भंडारा बनता था ना वहाँ पर, कितना दिव्य स्थान है वो, कैसे भगवान ने प्रभुपाद जी ने कृपा करके सेवा दे दी। मेरी इच्छा वहाँ जाके रहूँ, मैं भजन करूँ, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, परिक्रमा मार्ग, तो अपनी सत्ता को शुद्ध करना है ताकि हम परम सत्य भगवान को पा सकें, उनके दर्शन कर सकें, अपने घर को वापस लौट सकें। अभी जैसे भारत में कहा जाता है घर वापसी, भारत में और पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं सब जब विदेशी लोग आए, हमारे लोगों को जबरदस्ती जबरन मुसलमान बनाया उन्होंने। जैसे तारिक फतेह जी कहते हैं कि हम राजपूत थे, हम सबको मुसलमान बना दिया। तारिक फतेह सिंधी मुसलमान है ना, पता नहीं, तो सबको मुसलमान बना दिया। तो भी अभियान चलाया था भाई घर वापसी, वापस बने हिंदू। अभी बिहार में कुछ लोग बने हैं, अरे हैं और सुनो हरि बोल, बिहार में तूने बताया था ना, हैं तूने बिहार कहा था, अच्छा कितने, ईसा हमारे भाई हैं घर वापसी, इसलिए हमें घर वापसी, अपना घर हमारा गौलोक धाम है, वहाँ वापस जाना है। लेकिन हम संसार के घर में, संसार में खोए होने के कारण संसार के घर में ही अपना घर बनाने में लगे हुए हैं ना भाई, हमारा असली घर है तो भाई कुंठ लोक में है, वहाँ वापस जाना है। ये लोग
भारत और पाकिस्तान के मुसलमान सभी हिंदू थे, जबरन बहुत सारे मर गए, मुसलमान बनो नहीं बनते, गले काट दिए उनके, मरना कबूल किया, मुसलमान बनना कबूल नहीं किया, जो कमज़ोर दिल थे वो बन गए बेचारे, चल पड़ी परी पार्टी। और फिर ब्राह्मणों की बड़ी कमी रही, बहुत सारे वापस आना चाहते थे, ब्राह्मण सभी कहा नहीं करें, मूर्खता दी ब्राह्मणों की। तो हमें अपने घर को वापस जाने के लिए शुद्ध होना है, वैकुंठ लोक को जाने के लिए, गौलोक धाने के लिए अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। और जैसे दादा गुरुदेव ने मैं और मैं अच्छा यानी अहंकार, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही बंधन है। मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रखा कर, ये कांटा खटक रखा कर, मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रखा भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रखा गए, वृथा क्यों भटक रखा गए, भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रखा गए, वृथा क्यों भटक रखा, झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रखा है, जगत में लटक रखा है, झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, बड़ी शिक्षा इस भजन में है। नर तन मिला है तुझे को, खो क्यों रखा है, इसे खेल में, नर तन मिला है तुझे को, खो क्यों रखा है, इसे खेल में, कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषी, यों की बेल में, कंच सिखाया तेरी उलझी है विषी, यों की बेल में, सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रखा है, बिठा सिर पटक रखा है, सुत और कुछ भी नहीं है तुम्हारा, बिठा भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, बिठा क्यों भटक रखा है, वृथा क्यों भटक रखा है, भजले भूला फिरे क्यों बंदे, धन यौवन की उमंग में, भूला फिरे क्यों बन, धन दौलत की उमंग, माता पिता और बंधु कोई
चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा, ये कांटा खटक। इसलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस कर हरी से ननेह लगाया है, झूठे व्यसन हरी गीता गाए, भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भेद बता गुरु बिन ज्ञान न, इसी से अटक, इसी से अटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी दो दिन, चंचल घुमानी मन, अब तो जन्म को सुधार ले, ए चंचल फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे, ए फिर ना मिलेगा तुझको अवसर बार बार रे। अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भजले तो हमारा जीवन थोड़ा सा है, लंबा नहीं है, लगता है बड़ा लंबा है नहीं। जैसे
किसी को सब रस्सी पड़ी है उसमें भ्रम हो जाते हैं सांप है, वो सांप है नहीं वो तो रस्सी है। इसी प्रकार हमको लगता है बड़ा लंबा जीवन है ना जीवन। इसलिए संत जी ने कहा है बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, ये प्राणी तेरे जीवन का बहुत समय चला गया थोड़ा सा रह गया है अभी तू चेत आंखें खोल। काल चरैया चुग रही निस दिन आयु खेत, जैसे खेत में पशु छोड़ दो खा जाएंगे सारे, इसी प्रकार काल चरैया चुग रही आयु खेत को चुग रही आयु कम होती जा रही है। उमरिया घटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे घटती जाए रे उमरिया घटती उमरिया घटती जाए रे उमरिया। हम तो बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं खुश होते हैं, बच्चे के जीवन से एक साल मर गया मौत के वो नजदीक आ गया, जन्मदिन में बड़े खुश हो जाते हैं हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे, लेकिन ये मृत्यु के निकट आ गए हम भाई, मृत्यु के तो निकट आ गए बिना कुछ किए याद रखो, लेकिन भगवान के निकट आने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या? अपनी सत्ता को शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्धि ना सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। भगवान के निकट आने के लिए सत्ता को शुद्ध करना पड़ेगा, और शरीर के सुखों के पीछे पड़े रहने के कारण हमें जो डर आ गया बड़ा भय आ गया है, हम डरते हैं, डरते नहीं डरते हाँ, सबसे बड़ा डर मौत का है। एक आदमी कहता है कि कोरोना के लिए ये बीमारी जो है, हर आदमी को तुम पॉजिटिव देखो सभी पॉजिटिव बस ऐसे ही फैलती है ना बीमारी, पॉजिटिव समझेंगे तो दूर रहेंगे। हर आदमी को पॉजिटिव, वही तो मैंने कहा। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए एक और कहा है श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का, ना जाने इस श्वास का, आवन होए न होए, आवन होए न होए। हर श्वास में भगवान का नाम लो, भगवान को भजो हरि को भजो, एक श्वास व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। पता नहीं है कि एक के बाद दूसरा आएगा या नहीं आएगा हम, लेकिन भक्ति नहीं करने के कारण भक्तिहीन होने के कारण हम संसार में खो गए हैं। अगर खोया हुआ व्यक्ति, मैंने देखा ऐसा कि एक व्यक्ति था किसी स्त्री को देखता तो जब तक वो सब उसको देखता ही रहता था, खोया होगा दुनिया में, दुनिया में खोया होगा। मैंने बोला उसको तो बड़ा क्रोध आ गया, मैं क्या करता है तुम और उसको देखते उसको देखते रहते जब तक वो हम खोए हुए लोग हैं दुनिया में। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, एक आदमी बड़ा प्रेमी बन गया हमारा, बड़ा प्रेमी सेवा भी करता था,
उसके मन में ये आया कि हम उठाकर भगवान का पैसा उसको दे दें। भगवान का पैसा कह दिया उसको दे दे। आखिर एक दिन फूटा वो, मांगा उसने मेरे से कुछ मेरे को दे दो। मैं कितना, 1 लाख नहीं, फ्यू लैक्स। तो मतलब कहने का, मंदिर को लोग देते हैं, वो ढूंढ रहा है मंदिर से। उसकी सेवा जो थी असली रूप उसका ये प्रकट हुआ, इसलिए सेवा कर रहा है कि स्वामी जी खुश हो के हमको पैसे दे देंगे, लगाओ भाई तुम अपने बिजनेस में। हैं, जैसे दूसरे लोगों को तूने चूना लगाया, हमको भी चूना लगाओ। चूना लगाना ही कहते हैं, नहीं पैसे दे, चूना लगाते हमें भी चूना लगाओ। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से भाई हमें तुम कैसे चूना लगा सकते हो, नाराज़ हो गया बस, ख़त्म हो गई हमारी बुराइयाँ करने लग पड़ा, दूसरों को हमारे खिलाफ बोलने लगा। क्यों? उसके मन की बात पूरी नहीं हुई। खोए हुए लोग हम दुनिया में, मृत्यु को भूल गए हैं। मृत्यु को सदा याद रखना है ताकि खोयापन, आखिरी समय में खोयापन नहीं चलेगा, आखिरी समय में तो कृष्ण भावना चलेगी। जैसे मैंने अपने गुरु महाराज को देखा, प्रभुपाद जी को, कि शरीर उनका रुगण रहता था, कारण हम लोगों के कारण, हमारे जैसे पापी शिष्य उन्होंने बनाए, पाप लिए अपने पर। गुरु कृपा से ही तो शिष्य भजन कर सकता है। तो हम कभी कहते थे गुरु महाराज आपके लिए, कहते क्या है कि शरीर छोड़ना है, एक दिन शरीर ठीक नहीं भी होने पर बेचारे दिन रात लगे रहते थे अनुवाद करने में, लोगों के कल्याण, जन कल्याण के लिए। तो भक्ति जिसने की है उसका जाना भाई कोई चिंतित नहीं है। कहा है कि जिस मरने से जग डरे, अरे जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, क्यों मरने से ही पाइए, पूरन परमानंद। जिस मरने से दुनिया रहती है, मेरे मन में, संत कहते हैं मेरे मन में तो आनंद है, मरने के बाद धाम में जाएंगे, भगवान की सेवा में रहेंगे, वहां पर दिव्य देह मिलेगी, सच्चित आनंद स्वरूप मिलेगा और भगवान की नित्य सेवा में लगे रहेंगे, आनंद मंगल है। यही जीवन का उद्देश्य है, याद रखो। भगवान का धाम ब्रह्मा जी बता रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपाले अंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम वजामि। ए गोविंद, आपका धाम जो वो चिंतामणि, चिंतामणि वो पत्थर है जो लोहे को स्पर्श कर दो लोहे का सोना बना देता है, ऐसी उसमें शक्ति है। उस पत्थर का भगवान का धाम बना हुआ है, विचार करो। कल्प वृक्ष है वहां पर, कल्प वृक्ष के वृक्ष जी महाराज मुझे आम खाने हैं, लाओ फर्स्ट क्लास आम जूस से भरे हुए। कल्प वृक्ष जी अभी मुझे केले खाने हैं, लाओ केले लाओ, आइसक्रीम नहीं मिलती वहां पर, गौलोक धाम में नहीं आइसक्रीम मिलती, वो यहाँ की है ना, बड़ा सुंदर, कोई गर्मी गुर्मी नहीं वहाँ ना। वो आइसक्रीम जो है वो मूर्ख लोगों का खाना है, वो आइसक्रीम से फिर बीमार हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है उनको, अब फिट थोड़े समय के लिए फिर अनफिट भी हो जाती है। तो कल्पवृक्ष से कहा, कल्पवृक्ष जी अभी मैंने संतरे खाने लाओ। कल्प वृक्ष मन चाह फल देने वाले वृक्ष हैं वहाँ पर, सुर भी गौंगे हैं वहाँ पर, कैसी गौ माता मुझे नहाना है तुम्हारे दूध से, ले लो लाओ एक मन दूध से भर लो बाल्टी हैं। गौ माता मुझे आज 2 मन दूध चाहिए, 2 मन लो, 3 मन लो, 4 क्विंटल लो,
सुरभि, वहाँ पर हमारे भगवान रहते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम जम, हे गोविंद आपका मैं भजन करता हूँ। तो घर वापसी, अपने घर को वापस जाना है। यहाँ सुख नहीं है भाई, यहाँ सुख की खोज मत करो। जब हम छोटे थे तो सोचते थे, लेकिन भगवान बड़े, एक लड़की संपर्क में आई, संपर्क में वो लड़की ऐसी थी कि जैसे इंग्लैंड की मैम होती है, बहुत सुशील सब। उसका बाप तैयार हो गया कि आपसे हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। हम भी सोचने लगे भाई कभी शादी हुई होती तो बर्बाद हो जाते भाई हम। कहा कि रूपवती भार्या शत्रु, अगर स्त्री बड़ी सुंदर है तो वो पुरुष की शत्रु है बहुत बड़ी। ऋणी करता पिता शत्रु है, निकाल के निकाल उसको भाई। कौन है, कौन कौन हमारे शत्रु हैं वो बताया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अगर स्त्री बड़ी सुंदर है तो वो भी शत्रु है। सुंदर स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज का विवाह हुआ था, तीन प्रपोजल आए, एक बड़ी सुंदर लड़की, एक कम, एक उससे कम। पिताजी ने पूछा, पिता हमारे गुरुदेव के पिता ने, गौर मोहन जी ने पूछा कि अब है कौन सी लड़की से तू शादी करेगा। प्रभुपाद कहते मैंने सुंदर वाली बताई, कहते इससे नहीं करनी है। कहते क्यों, कहते उससे अटैच हो जाएगा, भक्ति कैसे करेगा। देखो कैसे पिता देव उनके दिव्य पुरुष थे वो, तभी तो उनके घर में ऐसी संतान हुई, गौर मोहन उनका नाम था। असुंदर से शादी करा दी। शत्रु कौन कौन है ये बताया है चन के नीति में। ऋण करता पिता शत्रु, अगर बाप कर्जा कर दे तो वो शत्रु है। माता च व्यभिचारिणी, अगर माँ जो है वो व्यभिचारिणी है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, वो भी शत्रु है। भार्या रूपवती शत्रु, पत्नी अगर बड़ी सुंदर है तो वो भी शत्रु है। पुत्र शत्रु, शत्रु अपंडिता, पुत्र अगर अज्ञानी है तो वो भी शत्रु है। ये शत्रु बताया है। ऋण करता पिता शत्रु, माया व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। तो हमें भगवान ने रक्षा की हमारी, रक्षा वहाँ से हम ऐसे बचे कि इस कन्या की जो माँ थी उसका बाप नहीं था। कन्या का बाप मर, कन्या की माँ का बाप मर गया था, तो हमारे शरीर से जो ताया थे उन्होंने उसका कन्यादान किया था। वहाँ के बात अटक गई भाई, वो ताया ने जिसका कन्यादान किया वो फिर हमारी ताया की बेटी हमारी जो है माँ ही हुई, कौन हुई वो। वहाँ बच के हम बड़ी जगहों भगवान ने बचाया, बड़ी रक्षा की, विदेशों में पीछे पड़ गए लोग। लेकिन मैं आज, हे प्रभु आपकी कितनी कृपा है। कभी कभी हम भी तैयार हो जाते थे, सोचते थे चलो भाई कर लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं। आज उनकी कृपा में समझ आ रही है। जैसे एक मूर्ख हमारे संपर्क में आया, पूछा कहते मैंने वचन दिया है, शादी का वचन दिया। मैंने कहा मत कर तू बंध जाएगा। तो मुझे अंदर से प्रेरणा हो रही है कि नहीं नहीं वचन दिया है मैंने, ऐसा वचन दिया कि बेड़ा गर्क हो गया उसका वचन। मना कर उसको नहीं, वचन दिया है, निभा वचन। वो
ऐसी वो निकली कि दुर्गति कर दी उसने। तो भगवान कृपा करके हमें बचाते रहे। कैसे प्रभु की दया का हम वर्णन करें, उनकी बड़ी असीम दया, बड़ी दया। स्त्री की ओर पुरुष आकर्षित रहता है, ये आकर्षण केवल संतति बढ़ाने के लिए है, भौतिक सुखों के लिए नहीं है। लेकिन मूर्ख जीव जो भक्त नहीं है वो सोचता है बस, जैसे मेरा जन्मपत्र बना, जन्मपत्र बना तो उसमें एक पंडित था, उसने कहा भाई इसके भाग्य में स्त्री सुख नहीं है। मैंने कहा इसने गलत लिखा है, उसको लिखना चाहिए इसके भाग्य में स्त्री दुख नहीं है। स्त्री का कभी सुख होता है? स्त्री तो दुर्गति कर देती है। हाँ अगर भक्त हो फिर ठीक है, दोनों पति पत्नी भक्त हैं फिर अच्छा है, अगर भक्त नहीं है तो बस उसको आरती तो गाएंगे, विषे विकार मिटावो पाप खरो देवा, स्वामी पाप खरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो संतन की सेवा। बस एड़ी से लेकर चोटी तक शरीर विषय विकारों में फंसा होगा, खाली गादी आती उतरे क्या होगा, विषय विकारों से निकलना है। तो मैं देखता हूं कि बड़ी कृपा रही है भगवान की। एक हम जब प्रभुपाद जी की सेवा में थे तो अफ्रीका में थे, अफ्रीका से प्रभुपाद जी ने कहा मेरी सेवा में तुम आ जाओ। वहाँ कोई समस्या खड़ी हुई, ये गोरी लोग समस्या खड़ी कर देते थे, वहाँ गोरा नहीं था, काला था, अमेरिकन काला, उसने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। मेरी सेवा में आ जा, सेवा में आ जा। एक माता उधर से चिट्ठी लिखती है, प्रभुपाद इसको वापस भेजो, यहाँ चोरियाँ हो रही हैं, ये हो रही हैं। प्रभुपाद कह रही होता रहता है, पीछे पड़ गई। तो प्रभुपाद ने मुझे पूछा कि वो तुम्हें, मैंने प्रभुपाद वो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करना चाहती है। कहते कौन सी बड़ी वाली? बड़ी वाली से नहीं करना, उसकी आगे ही हो चुकी हैं दो तीन शादी हैं। मैं प्रभुपाद छोटी वाली? कहते फिर कर ले। मैं प्रभुपाद आपकी कृपा से मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसे ही मरना चाहता हूँ जाल पर, ठीक संन्यास ले ले तू। बड़ी कृपा है भगवान की, भगवान सब पर कृपा करते हैं, पर हम मूर्ख जी भगवान की कृपा को नहीं लेते, मूर्ख है ना। इसलिए भाई भक्ति करो भगवान की, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, मेरी तर्ज में तो थोड़ी तर्ज अपने ही लगाता है, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। देखो ये जो भक्ति है ये लुप्त हो गई थी, कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके इसको पुनः जागृत किया। तो भक्ति को बनाए रखो, मेरे सुनने वाले जहां भी हो भक्ति, भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति, किसकी? श्री कृष्ण की। दुनिया में तो आदमी कोई किसी की नौकरी कर रहा तो पैसे के लिए करता है ना, भगवान की नौकरी हम निष्काम करें, निष्काम करेंगे तो वही भक्ति होगी। कुछ पैसे ले लिए वो नौकरी हो गई, नौकरी से भगवान नहीं मिलते, भगवान निष्काम सेवा से मिलते हैं। जैसे मैंने दासी दुखिया की आपको बात सुनाई, दासी दुखिया निष्काम सेवा में लगी है बेचारी, पानी भर के लाती है, सब लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन के आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो सेवा में लगी है, भगवान ने उसको दुखिया से सुखिया बना दिया। इसलिए शत्रुओं से बचो, सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा जो हमारा मन जो हमारे बस में नहीं है। मन जब बस में नहीं है तो सबसे बड़ा शत्रु है। एक बार एक भिखारी, गरीब भिखारी था बेचारा,
वो गर्मियों के दिन थे, जंगल में पड़ा हुआ है, कहते देखो मैं कितना भाग्यहीन हूँ, मेरे पास ना कोई रहने का ठिकाना, मैं ऐसे खुले में पड़ा हूँ, इतनी गर्मी है। अमीर लोग अपने घरों में शरबत केवड़ा, शरबत गुलाब, शरबत खस पी रहे हैं और मैं यह धूप में मर रहा हूँ, और ऊपर से मेरी टांगें बेकार हो गईं, मैं चल नहीं सकता, भीख कैसे मांगूंगा, मैं पेट कैसे पालूंगा, सोच रहा है बेचारा। कहते हे भगवान कृपा कर, मुझे एक घोड़ा दे दो सवारी के लिए, ताकि मैं चल सकूँ, चलने में मुझे बड़ी दर्द होती है, घोड़े पर चढ़ करके मैं आगे पीछे जा सकूँ, भीख मांग सकूँ, भीख मांगने के लिए शहर जा सकूँ। ऐसे वो भिखारी सोच रहा था। पुरानी बात है, उस समय एक जीप कारें नहीं होती थी, जो गवर्नमेंट के अफसर होते थे वो घोड़ियों पर सवार होके जाते थे कहीं जाना है। एक गवर्नमेंट का अफसर था, बड़ा आदमी था, घोड़ी पर सवार होके जा रहा था, तो जंगल में उसकी घोड़ी ने बच्चा दे दिया। वो सोचने लगा मैं तो भाई पैदल चल लूँगा, लेकिन ये बच्चा भी पैदा होगा, ये नहीं चल सकता, जंगल का मामला है, कौन मेरी मदद करे। इधर उधर देखने लगा, वो जंगली जंगल में उसको वो भिखारी बैठे को देखा, हे इधर आ, देखो अफसर बेचारा आ गया, हाँ साहब बोलो, देखो हमारी घोड़ी ने ये बच्चा दिया है, अभी अभी ये चल नहीं सकता, इसको उठा लो। डर के मारे में उठा लिया बेचारे ने, चलने लगा। कहते हे भगवान, मैंने आपसे प्रार्थना की थी मुझे घोड़ा सवारी के लिए दो, मुझे लगता है आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझे। मैंने घोड़ा सवारी के लिए मांगा था, आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया। मैंने घोड़े को सवारी के लिए मांगा था, घोड़े को आपने मेरे पर सवार कर दिया, उठा के चल रहा है घोड़े को। इसलिए कहा है, काम थोड़ा काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बड़ा और जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे, सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान रे, एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, काम बड़ा है भगवान, भगवत प्राप्ति करनी है, पर चंचल घोड़ा मन का जो है ये हमको नाम नहीं लेने देता, बड़ा चंचल है। चंचल मन को तू समझा ले, हरि नाम की लौ लगा ले, कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया।
अगर सच्चा प्यार होगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। इसलिए सब जो हैं भगवान से प्यार करो, मोहन से प्यार करो और भगवान से प्रार्थना करो, मुझे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहन। मुझे आन मिलो भगवान बहुत दिन बीत गए आन मिलो बहुत राधा की अखियों के तारे मेरे भी बन जाओ सहारे भक्तों के सुख धाम भक्तों के सुख धाम बहुत दिन बीत गए बहुत दिन मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए बंसी वाले बंसी बजा जा बन बंसी बजा जा मेरे भी सोए भाग जगा जा मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए नरसी भगत की हुंडी तारी श्यामल साबन आए गिरधारी श्यामल नरसी के भगवान बहुत दिन बीत गए नरसी मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए रास रचैया रास रचा जा श्याम स्वरूप के दर्श दिखा जा मेरी नैया कर दो पार बहुत दिन बीत गए मेरी नैया कर दो पार बहुत दिन बीत गए मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी रो राधा गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरिधारी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी
ओ कुंज बिहारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी ओ कुंज बिहारी, गिरिधारी ओ कुंज बिहारी, गिरिधारी ओ रास बिहारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी ओ श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनव, बोलो राधा रमन भगवान की। तो भाई भजन करो भगवान का, भगवान के चरणों में मन को लगाओ, भगवान के चरणों मन को लगाओ, भक्ति को बढ़ाओ, कृष्ण से अपने प्रेम को बढ़ाओ, संसार से वैराग उत्पन्न करो और कृष्ण के चरणों में अनुराग। यही संदेश है। इस संदेश को स्वयं अपनाओ, जो आपको मिले उसको कहो। अगर कोई नहीं सुने उसका दुर्भाग्य, पर आप सुनाओ जरूर। कोई नहीं सुनता है कोई बात नहीं, आप प्रयास करो। भगवान प्रचारक को बड़ा प्यार करते हैं। सभी प्रचारक बनो, भक्ति का प्रचार करो, खुद स्वयं भक्ति करो, दूसरों को भक्ति में लगाओ। ऐसा करने से ही मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को? अजय कुमार, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं अजय कुमार यूपी बिजनौर से हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि हम सुबह सुबह में ही 16 माला जपना ज़रूरी है या गुरुजी शाम तक कभी भी जप सकते हैं? प्लीज़ मुझ पति जीव को समझाने की कृपा करें। अजय कुमार जी, ऐसा है, सुबह कर लो तो अच्छा है, सारे दिन अच्छा रहेगा। कभी नहीं कर सको दिन में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई कठोर या सख्त नियम नहीं है, कर सकते हैं। वैसे 16 माला ही नहीं, प्रयास करना चाहिए हर समय भगवान के चरणों में ध्यान रहे, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब जीवन का अंत आ जाए, कब बुलावा आ जाए, जाना पड़ेगा फिर। हरे कृष्णा। जी कुमार जी, सुप्रिया माता नोएडा से, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी के चरण कमलों में। महाराज जी, जैसे कहते हैं कि हरि नाम से मन निर्मल हो जाता है, पर मेरा मन क्यों नहीं होता? मेरे मन में किसी के प्रति बुरे विचार आते ही रहते हैं। इसका क्या उपाय है कि मैं हृदय से ये सब भूल जाऊं और सिर्फ जप में ही ध्यान करूं? कृपया बताएं। ये बिटिया, तेरे को जप से ही होगा, शुरुआत में ऐसा ही होगा, धीरे धीरे शुद्धि होगी। करते रहो, जप करते रहो। कोई अपराध युक्त जप हो रहा है इसलिए जल्दी प्रभाव नहीं हो रहा, तो पर जप को छोड़ना नहीं, जप करते रहो। करते रहने से धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। अभी तो कुछ सालों से जप कर रही है, बचपन से थोड़ी कर रही थी तुम। अभी देखो, बचपन से हमने प्रभुपाद कृपा से इसी मंत्र को जपा। मैं आज से कोई 60 साल पहले वृंदावन में आया था, यहाँ से एक माला लेके गया था, और फिर मुझे जब मैं गया माला लेके, तो मुझे कहा गया महामंत्र जपो। जप रहे थे लेकिन मन अभी भी भटकता है। ऐसे थोड़ा एकदम मन लगेगा, ये धीरे धीरे शुद्ध होगा। अपराध हो जाते हैं, दोष आ जाते हैं, बुराइयाँ आ जाती हैं,
कर्म आ जाते हैं। हरे कृष्ण सुप्रिया। हिमांशु फरीदाबाद से, हरे कृष्ण महाराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हिमांशु पहले भी तूने प्रश्न किया कभी नहीं? जी। करता है ये जी। हाँ बोलो। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण महाराज जी, कॉलेज और स्कूल में मैं बहुत बुरी आदतों में पड़ गया था। जब से मैं उधमपुर से आया हूँ, मैंने अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके नित्य प्रवचन ने मेरा जीवन बहुत बदल दिया है। अब मुझे पता लगा है कि असली मानव जीवन क्या होता है। आपसे प्रार्थना है कि आप आशीर्वाद दें कि मैं और तेजी से आध्यात्मिक उन्नति करूं। आपका नित्य दास हिमांशु बंसल। ये उधमपुर से क्यों आ गया था? हिमांशु अपना डिटेल भेज, हमारा आशीर्वाद है। हम चाहते हैं तुम भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। तेरी रुचि लग रही है, अच्छा बुराइयों से बचो और भगवान के चरणों में प्रेम को बढ़ाओ। आपने डिटेल भेज, तो शादीशुदा है, कुंवारा है, क्या करना चाहता है, फिर और थोड़ी कुछ गाइडेंस देने का हम प्रयास करते हैं। अगर तू उधमपुर आया था, वहाँ से क्यों आ गया फिर? तुम वहीं रहना था तुमने उधमपुर में। हरे कृष्णा हिमांशु। आशीष शर्मा दिल्ली से, हे गुरु महाराज जी। आशीष ने पहले भी किया प्रश्न है। हाँ बोलिए। वो नहीं करता है कि लक्की नहीं करता? हे गुरु महाराज जी, ये मन की निराशा को कैसे दूर करें? इसको हरि सिमरन में लगाने से ही दूर होगी। बस तेरी सबे दुखांदा दारूं इको पुड़ी राम नाम दी, तेरी सबे दुखांदा इको पुड़ी राम नाम दी, राम नाम दी श्याम नाम दी, राम नाम दी श्याम नाम दी, तेरी सबे दुखांदा दारू इको पूरी राम नाम दी, तेरी सबे दुखांदा दारू। समझाई तेरे को आशीष? भगवान का नाम लेने से ही होगा, धीरे धीरे होगा, चुटकी बजाने से नहीं होगा। बस। हरे कृष्णा। सभी लोगों को इस बात का अवगत है कि कोविड महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, तो महाराज जी की प्रेरणा से उधमपुर में रोज कुछ ना कुछ वितरण किया जा रहा है। जैसे कल भी राशन किट वितरित की जाएगी, जिसकी आज तैयारी हो रही है। तो उसके लिए दिल्ली से मिस्टर पवन जैन जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनके लिए भी और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मिसेस जैन का भी धन्यवाद कर दो। और मिसेस जैन का भी धन्यवाद, जिनका बैले ट्रैवल है और उन्होंने, वो पहले भी सेवा करते हैं, गुरुकुल के बच्चों को उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो अभी ये कोविड के लिए भी उन्होंने सेवा भेजी है। हरे कृष्णा। उनका नाम बड़ा अजीब से। चलो प्रसाद लो जल्दी से। अच्छा। आयो, आयो। चलो, तो देखो।